तो ये आ गए हम लोग श्याम कुंड। जैसा कि हमने हर वीडियो में देखा हुआ था कि लेडीज और जेंट्स का अलग अलग कुंड बना हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि नहीं, अलग अलग नहीं बना हुआ है, ये साथ में ही नहाना होता है। तो इसलिए हमें वो ठीक नहीं लगा, तो यहाँ पर हमने मुँह हाथ गोड़ धो लिया अपना और फिर निकलते हैं बाबा के पास। चलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का नया सुबह हम लोग का खाटू श्याम में तो अभी हम लोग जा रहे दर्शन करने के लिए लाइट में जा रहे। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। हाय, बंद करने से बंद हो गया था। चलिए तो खाटू श्याम का दर्शन करने आते हैं, सब रेडी हैं? मम्मी का खाटू श्याम बाबा की जय। चलिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से नो स्लीपर्स और नो बैग्स ना। लोग पैदल जा रहे हैं अभी होटल से खाटू श्याम बाबा, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है इसीलिए। चलिए देखते हैं आज का दर्शन कैसा होता है। कल का तो ये लोग का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, आज देखते हैं क्या होता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, कल वाला वीडियो, उसमें आप लोगों को भी बहुत हंसी आएगा। तो लास्ट कल ही चल रहे हैं, इसके बाद से हम लोग सीधे मंदिर में पहुंच जाएंगे। क्या ची हो गया? नहीं हमको हो गया। तो खाटू श्याम जी का मेन पहचान होता है गुलाब। इसलिए यहाँ गुलाब बहुत फेमस है। जैसे निशान से नहीं मिला निशान, फूल तो ले लिए, अब हम लोग थोड़ा सा निशान मिलेंगे कि पूरा वाइब आए कि हाँ हम लोग खाटू बाबा आए हैं। ये हम लोग आ गए मेन लाइन पे, बहुत लंबा लाइन है। हम लोग ले रहे हैं प्रसाद, बेटा एकदम रेडी है निशान लेके। फिर से एक बार और जय। अब हम लोग चले, मम्मी का तबियत ठीक नहीं था तो आगे भेज दिए हैं स्वाति के साथ में, अब हम लोग चल रहे हैं इधर से। निशान जो लिए हम लोग यहीं पर गाड़ देंगे। हाँ, जुगाड़ के चलते हम लोग आगे पहुंच गए। श्याम जय श्री श्याम। हम लोग अंदर पहुंच गए। यहाँ पर पूरा नारियल बना हुआ है, यहाँ पर मन्नत जैसा रहता है वो तुम पानते हैं ना। लोग फोटो लेंगे एक तो। ये अच्छी तरीके से हम लोग का दर्शन हो गया ना मम्मी? कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा से हो गया था दर्शन। कल स्वाति लोग को नहीं मिला था तो आज पता नहीं अभी तक वो दर्शन नहीं कर रही है लोग। कल तो
लेकिन पसीना से तो पूछा जाता है। ये भी खोज रही थी ना सारी रात रात का, मिला था आज मिल भी गया। स्टॉप हो गया। जय श्री श्याम। स्वाति कल बहुत कंप्लेन की थी ना, इसीलिए सारा आज पूरा कर रहे हैं। ये वाला कलर टी का बहुत अच्छा है, ऑरेंज नहीं है और उसके ऊपर अपग्रेड हो रहा है। अच्छे से दर्शन हुआ, फिर मोर का पंख मिला, फिर टीका भी मिल गया। अब जाके ये जब पूरा दर्शन हो गया सब सब दर्शन करके अब निकल रहे हैं सब। हो गया शॉपिंग, हो गया अब आ गए हम लोग कूलर वाला चाय पीने के लिए। कूलर वाला चाय पीने। तो कैसा है टेस्ट बताइए आप लोग। एकदम बेस्ट है। ना ना आ गए श्री रामचंद्र पवित्र भोजनालय में नाश्ता करने के लिए। आ गया हमारा नाश्ता, आलू पराठा और गरम गरम सब्जी। टेस्ट करके बताओ कैसा। पानी पापड़ वापड़ सब आ गया, अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से कितना एंटर कर रहे हैं। तो हमारा अच्छा से दर्शन हो गया, आप लोगों ने देखा भी। अगर आप लोग भी चाहें तो आराम से आके दर्शन कर सकते हैं। कल थोड़ा परेशानी हुआ था मेरे भवन को, लेकिन आज तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया। A few moments later. नहीं सबका इच्छा पूरा होना चाहिए ना। अब हम लोग जा रहे हैं पहले कहाँ, महालक्ष्मी के मंदिर, उसके बाद फिर जिन माता के पास ना। आ गए हम लोग माया लक्ष्मी मनोकामना पूर्ण मंदिर। प्रसाद लिया जा रहा है। तो ये आ गए हम लोग महालक्ष्मी जी का मंदिर, चलिए दर्शन कर लेते हैं। पूरा मोली बांधा हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि अपना मनोकामना मांग के मोली को बांध देने के लिए। ये अपनी मन्नत को कुछ रख रहे हैं, इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा, बाद बाकी इनकी इनके भी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। देने वाली मैया हम सब पूरे परिवार को भी मनोकामना को पूर्ण रखिएगा, है कि नहीं बाबा, सबका मनोकामना को पूर्ण रखिएगा। तो लग रहा है हो गया हम लोग का मनोकामना मंदिर का भी दर्शन। अब हम लोग चलेंगे जिन माता की तरफ। ठीक सामने है, आप यहाँ पर कुछ भी खा पी सकते हैं, नाश्ता चाय वगैरह सब चीज़ का इंतज़ाम है, फूड पॉइंट है। इसीलिए आप लोग को अगर वहाँ नहीं खा पाए खाटू श्याम में, तो आप यहाँ पर भी आके खा सकते हैं। 7D सिनेमा भी है इसमें। कान में सबका प्लेट लगा हुआ है कि किसका सबका कान छेदा गया है इसमें। हाँ सच्ची में। हाँ
यहाँ पर हमें भेड़ बहुत ज्यादा दिखते हैं क्योंकि यहाँ का वूल बहुत फेमस है। यही भेड़ का सब देखिए सब वूल निकला हुआ है। धीरे धीरे ये फिर बढ़ जाता है तो यहाँ पर हमें बहुत सारे वूल भेड़ देखने को मिलते हैं और ट्रेडिशनल लुक में इनका गार्ड भी देखने को मिला। एक से धागा बनला ना हम लोग पहुँच गए जिन माता का मंदिर। चले आप लोगों के दर्शन कराते हैं। यहाँ का मेन गेट हो गया पूरा मार्केट ही दिख रहा है। दोनों तरफ पूरा मार्केट ही है यहाँ पर। बेचारे बोल रहे थे बोनी करा दो बोनी करा दो, इसीलिए आप यहाँ बोनी कराने आ गए। पर खाने पीने का भी व्यवस्था है जैन धाम में। सावन का पहला सोमवार ये और एक प्रवेश द्वार उसके ऊपर से जाने का मार्बल कलर का पूरा बना हुआ है। जाने के बाद माता पास में बैठे प्रसाद ग्रहण होता है उसके पास। लहंगा माँ को छोड़ता है 1100 से लेके 11000 तक। गर्मी में भूख तो कम लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लगता है तो यहाँ हमें गन्ने का जूस एकदम एनर्जी बूस्ट करेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गन्ने का जूस पी रहे हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके आगे हम लोग जा रहे हैं अभी जहाँ सलासर मंदिर जाएंगे वो आगे कंटिन्यू करेंगे कल। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। जय खाटू श्याम बाबा की।